हम लोगों ने जब वेस्टीज ज्वाइन किया, इससे पहले कोई ना कोई अपनी जीविका कमाने के लिए कोई ना कोई काम करते हैं। हम में से कितने लोग पैसा कमाना चाहते हैं? वाओ। अब एक सवाल अपने आप से पूछो, ना आप मुझे जानते हो ना मैं आपको जानता हूं। आप स्कूल गए, कॉलेज गए, बड़े बड़े लोगों ने आपको गाइड किया, चाचा पापा मम्मी दादा दादी अड़ोसी पड़ोसी टीचर सब ने आपको गाइड किया, बेटा जीवन ऐसे बनता है, भविष्य ऐसे बनता है, करियर ये होता है, मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे इंसान बनो, फिर आपके नंबर अच्छे आएंगे तो पैसा अच्छा मिलेगा। आया ना? आपने सारी जद्दोजहद करके, मेहनत करके, इंटरव्यू देकर के अचीवमेंट करी अपने उस काम को, जहां से आप रोज सवेरे उठ करके काम पे जाते हो, अपने काम पर जाते हो। हाँ है ना? ऊपर वालों, सुबह उठते ही रिक्शे वाला भी अपने काम पे भागता है, डॉक्टर साहब प्रैक्टिस में भागते हैं, वकील साहब प्रैक्टिस में भागते हैं, दुकानदार दुकान खोलने भागता है, क्योंकि हर काम के बदले क्या मिलता है? क्या मिलता है? अब अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है, पैसा कमाना तो आपको आता है, इस मीटिंग में आप पैसा कमाने नहीं सीखने आए, यहां बैठे हर व्यक्ति को पैसा कमाना आता है, बस दिक्कत है ज्यादा पैसा कमाना नहीं आता। ना मुझे आता है, आता था मतलब मुझे नहीं आता था, मेरे पापा मम्मी को भी नहीं आता था, मेरे दोस्त पड़ोसियों को भी नहीं आता था, मेरे टीचर को भी नहीं आता था, सबको पैसा कमाना आता था लेकिन ज्यादा पैसा कमाना। एग्री करते हैं मेरी बात से? अब एक लाइन और बोलता हूं, अगर आप जिस काम को कर रहे हो उसी को करते रहो अगले 10 साल, तो आपकी कमाई बढ़े ना बढ़े ये तो मुझे गारंटी नहीं है, लेकिन एक चीज तय है कि महंगाई बहुत बढ़ेगी, आपके बच्चे की एजुकेशन की फीस बहुत बढ़ेगी, पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ेगा। हाँ या ना? अब एक व्यक्ति आपको पकड़ता है, वेस्टीज बताने की कोशिश करता है, बार बार समझाता है, और आप उसे छू करके भागते हो। एक कोई व्यक्ति आपके पास वेस्टीज बताने आता है, कभी आपसे कहता है एक प्लॉट बेच दो अपना और वेस्टीज ज्वाइन कर लो, कुछ मांगता है आपसे? सिर्फ एक चीज कहता है, सुन लो मेरे को ज्यादा पैसे कमाने का तरीका पता चल गया है। हेलो। और हम किस्मत के मारे 20 साल से जिस काम को कर करके हमारा दिमाग खराब हो गया और हमने उसे किस्मत के हवाले कर दिया कि शायद मैं कभी रिच नहीं बन सकता, कामयाब नहीं बन सकता। तो एक दूत जो ऊपर वाले का आया, जो आपको वेस्टीज बताना चाहता है, आप उसे सुन भी नहीं रहे, इतने अभागे लोग हैं साथ समाज में। हमें लगता है वो ज्वाइन नहीं कर रहा, सॉरी वो सुन नहीं रहा। अगर गलती से सुन लेना हो तो रात भर उसे नींद नहीं आएगी। जैसे आज आपने यहां लोगों को देखा, तो आज आपको भी थोड़ा थोड़ा यकीन हुआ होगा, एक लाइट जली होगी कि यार मेरी भी किस्मत शायद बदल सकती है। आया ना? दोस्तों, यहां जितने भी लोग स्टेज पर आए, सबने अपना नाम, अपना प्रोफेशन, अपना कारोबार बताया। इसके पीछे एक कारण था कि वो लोग आपको रिलेट कर सके कि आप किस्मत को दोष देने के बजाय अपने कर्म पर फोकस हो जाइए। मोइन खान अनपढ़, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई स्टूडेंट है, यहां पर देखा आपने? ऐसे ही मैं भी आज से 10 साल पहले अप्रैल 2012 में वेस्टीज में किसी के द्वारा बुला करके आया था। मेरे को एक चीज पूछा गया, वेस्टीज कैसा लगा? मैंने कहा अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? मैंने कहा एक चीज समझ में आई, बिना पैसे लगाए यहां अमीर बनने की बात कर रहे थे। हेलो। और मैं अमीर रहीस बनना चाहता था। आप चाहते हैं? ऊपर वाले चाहते हो? अच्छा, अगर आप अमीर रहीस बनना चाहते हो तो मैं आपसे एक मिनट पूछना चाहता हूं, आप इस चीज को हटा दो अपनी जिंदगी से, 2 मिनट अब अपने आप से पूछो, तुम्हारे पास कौन सा तरीका है जो अगले 5-10 साल में आपको अपने बच्चों के सपने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का फॉर्मूला आपके पास है? हमें अगर किसी ने रोका हुआ माय डियर फ्रेंड, तो हमारे अहंकार में झूठे ईगो ने, झूठे दिखावे ने। आज एक चीज याद रखना, मुझसे पूछा वेस्टीज का सामान लोगे? मैंने कहा हां लूंगा, लेकिन मैं लूंगा ऐसा बोला तो सामने वालों ने बोला दुकान तो 20 किलोमीटर दूर है, तो मैंने कहा सामान थोड़ी लेने जाऊंगा, मैं तो लाख रुपए कमाने के चक्कर में जाऊंगा यार, मेरा दिमाग खराब है, मेरे बगल में साबुन मिलता है, तेल मिलता है, शैंपू मिलती है, चाय मिलती है, ऑनलाइन मिलता है, ऑफलाइन मिलता है, मेगा मॉल में मिलता है। आपको क्या लगता है वेस्टीज वाले पागल होंगे? इनको भी ये सारे आइडिया आते हैं। मैं एक ही चीज बार बार कहता हूं, मैं वेस्टीज का साबुन चाय या वेस्टीज का स्पुलिना नोनी या अपने बच्चों के लिए हेल्थ सप्लीमेंट से इसलिए लेता हूं कि हेल्थ तो अपने आप सही रहेगी, लेकिन मेरे साबुन जो है ना मेरी गरीबी छुड़ा सकता है, इसलिए मैं वेस्टीज का साबुन यूज करता हूं।
अंग्रेज से पूछो इतने सालों से बाजार का लगा तो रहे टीवी वालों को छोड़कर तुम्हारी बीवी को आया? हेलो आया आएगा भी नहीं। मैंने वेस्टीज का लगाना छोड़ लगाना चालू कर दिया, टीवी वालों को जाना बंद हो गया, मेरी बीवी को आना शुरू हो गया।